पैर को हम लोग अभी बियर से शुरुआत करेंगे अपना दिन. सो चेयर्स फॉर द व्हाट इज दैट कलिमोटो. तो ये काफी सारे लोग हैं यहाँ पे. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो इसके वजह से हम लोग प्लान किए हैं कि मजा आएगा. अब लेक सवान में स्विमिंग करने का समय आ चुका है. भाई बहुत ठंडा है. इट्स कोल्ड. ऐसे पैसे नहीं ले रहे इनका. मैंने दो ये मंगाए. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आशीष. स्वागत है फिर से एक बार आपका मेरे YouTube चैनल पे. मैं हूँ अभी सवान में, जो है आर्मेनिया में, और आज है दूसरा दिन. कल मैं सवान आया, आपने देखा कैसे मैं हिचहाइक करते हुए आया. तो आज का दिन काफ़ी अच्छा है. कल तो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था. तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, और अब मैं सोच रहा हूँ कि बाहर जाऊँ थोड़ा सा इस जगह को एक्सप्लोर, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आज एक दिन ही बचा हुआ है. और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आज यहाँ पे एक कॉन्सर्ट होने वाला है, म्यूज़िक फेस्टिवल, जो सिर्फ साल में एक बार होता है. तो मैं अपने आप को लकी भी समझता हूँ, क्योंकि मैं आज शाम को वो अटेंड करने वाला हूँ. तो यहाँ पे कुछ दोस्त हैं मेरे जो हॉस्टल में मिले, और दोनों के दोनों जापान से हैं. तो यहाँ पे पहला दोस्त है, हाय नेम युताका. तो युताका है जो आज सुबह आया, और यहाँ पे नाओया. तो नाओया से मैं कल मिला था. तो कल शाम को नाओया आया था जब मैं आया यहाँ पे. सॉरी अबाउट दैट. कोनिचिवा. तो अभी हम लोग सुबह तो नहीं, दोपहर को हम लोग अभी बियर से शुरुआत करेंगे अपना दिन. सो चीयर्स फॉर द डे. सो मैं पी रहा हूँ किली का जो लोकल बियर है. यू आर ड्रिंकिंग दिलीजान. तो दिलीजान पी रहा है नोया, और यहाँ पे अरारत. सो वी हैव 3 डिफरेंट बियर्स, यू नो. यू सी किली का किली क्या किली क्या अरारत एंड दिलीजान. सो यहाँ पे 3 बियर है. सो चीयर्स टू जापान एंड इंडिया, यू नो, एंड होप वी हैव अ ग्रेट डे, यू नो, टुडे. सो चीयर्स ऑन दैट. चीयर्स. तो मैं आ चुका हूँ एक लोकल बेकरी में यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी सारा ब्रेड बन के रेडी, और काफ़ी गर्मा गर्म अच्छा स्मेल आ रहा है. तो यहाँ पे ब्रेड बन रहा है. तो अंदर में ये ओवन है, इसके अंदर इन लोग ब्रेड बना रहे हैं. तो अलग अलग प्रकार के ब्रेड हैं यहाँ पे. ओ भाई, तो ब्रेड है. और यहाँ पे कुछ अलग किस्म का ये ब्रेड बन रहा है. ये पता नहीं कौन सा ब्रेड है. तो ये भी बना रही है कुछ फटाफट यहाँ पे. हाँ, कोलकाता थोड़ा खाल से. दुआ. Скажи ту. Сколько? Не надо. No? No. Why? मेरे पैसे नहीं ले रहे इसका. तो मेरे से पैसे नहीं ले रहे इनका. मैंने दो ये मंगाया इनसे कि मैं खरीदूंगा, पर बोल रहे हैं कि नहीं भाई, मैं तेरे को ऐसे दूंगा, तो हमारा गेस्ट है. तो ब्रेड इतना गर्म था ना कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ. मैंने अभी खा लिया, तो मेरा लंच भी हो गया. तो मैं मतलब रास्ते में इन लोगों के साथ शेयर कर लिया वो ब्रेड. अभी हम लोग जा रहे हैं लेक की तरफ. सवान जो है बहुत ही छोटा टाउन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये. तो पॉपुलेशन भी यहाँ पर बहुत कम है. तो हम लोग अभी मेन हाईवे की तरफ आ गए हैं. तो मेन सिटी जो है वो पीछे की तरफ है. तो वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं शाम को दिखाऊँ, या कल हो सकता है मैं दिखा पाऊँ आपको. पर ज़्यादा बड़ा नहीं है ये टाउन. तो ये है लेक सवान, जो सबसे बड़ा लेक है आर्मेनिया का. और पानी का कलर देखो, बहुत ही सुंदर है, हरा कलर. और यहाँ पे हो रहा है म्यूज़िक फेस्टिवल, जो मैं शाम को आने वाला हूँ यहाँ पे.
ये म्यूजिक फेस्टिवल जो है फ्री है और रात को 11 बजे तक होगा, तो फिर मैं रात को आऊंगा। और ये है लेक, यहाँ पे लोग स्विम कर रहे हैं, यहाँ पे लाइफ गार्ड है। मेरे को भी मन कर रहा है स्विम करने का, पर अभी मैंने गलती कर दिया कि मैं एक्स्ट्रा कपड़े मतलब चड्डी और मैंने टावल मैं लेके नहीं आया हूँ, तो वो एक पंगा हो गया है। अभी मन कर रहा है वापस जाके मैं लेके आऊँ। तो ये है लेक सवान, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। लेक सवान आर्मेनिया का सबसे बड़ा लेक है काकेशस रीजन में, और ये हाई ऑल्टीट्यूड लेक है जो लगभग 2000 मीटर के आसपास है, और काफ़ी बड़ा लेक है ये। तो यहाँ पे कुछ लोग मिल गए, मैं बोला इंडिया से, तो काफी खुश हो गए, तो फोटो क्लिक कर रहे हैं। ओके, हाय प्रीवियर। आई नो हिंदी अ लिटिल। यस, व्हाट डू यू नो? आई नो फील्स एंड आई सी दैट। एंड नाइस, नमस्ते, गुड टू मीट यू। तो यहाँ पे फैमिली है जो काफी खुश हो गए हम लोगों को देख के। यहाँ पे जापान से है, मैं इंडिया से हूँ, तो तुमने फोटो क्लिक किया सबके साथ। तो योर नेम? माय नेम इज वाग। फ्रॉम आर्मेनिया। वेयर इन आर्मेनिया? सवान, यरवान, गोरिस, अस्तराक। ओह, डिसाइड किया है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो इसके वजह से हम लोग प्लान किए हैं कि अब पानी में जाएंगे। मेरे पास हालांकि टावल वगैरह कुछ भी नहीं है, पर जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि इससे अच्छा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तो चलते हैं पानी में। तो यहाँ पे वो फैमिली है, तो इनको हमने बोला है कि भाई हमारा सामान वगैरह जो है तो वो देख लेना कि हम लोग जा रहे हैं पानी के अंदर, तो कुछ इस तरह का है। एंड वी कैन कम बैक एंड ड्राई आवरसेल्फ हियर। एंड यहाँ पे है, फॉरगॉट योर नेम? माय नेम इज यूताका। यूताका, और मैं जा रहा हूँ पानी में, और दूसरा बंदा है वो अभी फिलहाल बोल रहा है कि मैं यहीं पे रहूंगा। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो ओके, यू एंजॉय, इट्स अ मोमेंट, इट्स अ टाइम। ओके, तो ये भाई साहब नहीं आ रहे हैं, तो यू एंजॉय हियर बियर एंड जस्ट लुक आफ्टर आवर स्टफ, विल कम बैक। ऑलराइट, लेट्स गो। या, सी यू। ओके, लेट्स गो। मजा आएगा। अब लेक सवान में स्विमिंग करने का समय आ चुका है। आई होप इट्स नॉट दैट कोल्ड। ठंडा है भाई। वो यू फील कोल्ड? वो सच में ठंडा है यार। डू यू थिंक यू गोना एबल टू डू इट? ऑफ कोर्स, लेट्स डू इट। इट्स सुपर कोल्ड। आई वॉज एक्सपेक्टेड। लगता है पानी 5 डिग्री के आसपास है। इट्स लाइक 4-5 डिग्रीज, बट मेबी 10, समथिंग लाइक दैट। मेबी गेट यूज्ड टू इट। या, स्लोली। ओह भाई, बहुत ठंडा है। हाउ इज इट? ओह, इट्स नाइस। It's cold. Ah. Oh, bhai. Maza aa raha hai. Oh. Oh. Bahut maza aa raha hai. Now it's good. Yeah. How do you think? Yeah. Better? Inside the water is good. Yeah. Oh. Oh, yahan music festival chal raha hai. Main Lake Savan mein yahan enjoy kar raha hu. Kya maza hai yaar. Kya baat hai. Thoda gehra hai pani andar, par main apne aap ko safe kar lunga. Kai maza aa raha hai. Woohoo. बहुत भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। आज आज सैटरडे है और यहाँ पे म्यूजिक फेस्टिवल, लेक सवान, और क्या चाहिए, मतलब समुंदर से कम नहीं है ये जगह। तो लेक सवान जो है 2000 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, तो इतना बड़ा लेक है ये 2000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, तो बहुत बड़ा लेक है ये। हाउ डू यू फील? सो नाइस। पानी के अंदर जाने के बाद ना इतना अच्छा फील हो रहा था। पानी बहुत ठंडा है, पर पानी के अंदर रहने में ना जो फील है ना, ऐसा लग रहा था कि मैं कोल्ड बाथ ले रहा हूँ, आइस आइस बाथ की तरह ऐसा फील हो रहा था। तो थोड़ा देर हम लोग और नहाएंगे, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में।
सारा नहाना हो गया, पानी बहुत ठंडा है पर पानी साफ है, बहुत सुंदर पानी है, एकदम क्लियर पानी है यहाँ पे, तो काफी सही नजारा, क्या मजा है यहाँ पे नहा के। लेक सेवन में नहाना जोश जोश में तो मैं नहा लिया, अब दिक्कत यह है कि मेरे पास टॉवल नहीं है और एक्स्ट्रा अंडरवेयर नहीं है, तो अभी धूप में अपने आप को सुखाना पड़ेगा, हवा भी बहुत ज्यादा चल रहा है, ठंडा लग रहा है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा ठंडा था। तो ये फैमिली जो हमारे साथ सेल्फी लिए थे तो इनके पास ही हम लोगों ने अपना कपड़ा छोड़ दिया था, तो अभी थोड़ी देर में अपने आप को सुखा के फिर आगे बढ़ते हैं। स्नोरा कालुसा, स्नोरा कालुसा, थैंक यू। तो इन्होंने मुझे फल दिया है, मेरे को फिर यहाँ पे इन सबको फल दिया है खाने के लिए, सो थैंक यू सो मच, स्पासिबा स्नोरा कालुसा। तो काफी स्वीट फैमिली है ये सच में। वो ऐसा लग रहा है कि ये बीच से कम नहीं है, एकदम पूरा बीच वाला वाइब आ रहा है, और यहाँ पे वेव्स भी है थोड़ा बहुत, और यहाँ पे आपको बैठने के लिए यहाँ पे सनबेड दिया हुआ है, तो आप सनबेड में बैठ के सनबाथ ले सकते हो, तो काफी ज्यादा लोग यहाँ पे सनबाथ ले रहे हैं, काफी सारा लोग है यहाँ पे, लोकल है, बाहर के हैं, टूरिस्ट हैं, रशियंस हैं, तो बहुत सही है नज़ारा यहाँ का। ठंडा पानी में नहाने के बाद बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है, और ये स्वीट वाटर लेक है, यहाँ पे यहाँ का पानी जो है मीठा है, और वहाँ पे आर्मेनिया का झंडा, बहुत सुंदर झंडा है, कलर लाल नीला और नारंगी, और यहाँ पे लाइफ गार्ड का एरिया, यहाँ पे सारे लाइफ गार्ड्स हैं, तो अगर आप डूब रहे हो तो शायद इन लोग बचा लेंगे आपको, तो मस्त लग रहा है। तो अभी मैं लेक के दूसरे हिस्से में आ गया हूँ, और ये हिस्सा थोड़ा शांत है और लोग यहाँ पे कम है, मुझे लगता है मेरे को यहाँ पे नहाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारा ऐसा बारबेक्यू स्टेशन दिया हुआ है, लोग यहाँ पे शाश्लिक बना रहे हैं, तो यहाँ से लाइन से 1 2 3 4 5 6 स्टेशन है, तो ये देखो ये वाला बीच देखो, यहाँ पे लोग काफ़ी कम है, मैं बार बार बीच बोल रहा हूँ, ये वाला आप लेक का किनारा देखो कितना सुंदर है, और पानी का कलर भी बहुत सुंदर, एकदम हरा पानी है, मतलब क्या नज़ारा है यार। तो यहाँ पे भी इस तरह का आपका शेड बना हुआ है जहाँ पे आप बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो, और सबसे बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे आपको चेंजिंग रूम बनाया गया है जहाँ पे आप कपड़े चेंज कर सकते हो, टॉयलेट है यहाँ पे, तो काफ़ी सारा ऑप्शन है यहाँ पे, और फैसिलिटी बहुत सही है यहाँ पे। और ठीक लेक के ऑपोजिट में यहाँ पे छोटा सा पार्क भी है, तो लोग पार्क में भी बैठ के आराम कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। तो हम लोग अभी लेक के एकदम अंदर की तरफ आ गए हैं, जहाँ पे छोटे छोटे घर हैं, यहाँ पे गाड़ी के अंदर ही घर बना रखा है ऐसा लग रहा है, ये जो डब्बे के अंदर घर है, तो मस्त है यार ये लेक सवान, जरूर आना अगर आप आर्मेनिया आ रहे हो। रास्ते में मुझे यहाँ पे छोटा सा एक मिनी मार्ट दिखा, जो यहाँ पे एक बबुशका है, हाय प्रिवियत। तो यहाँ से मैंने बियर लिया है, अभी हम लोग गुमरी बियर ट्राई कर रहे हैं, तो नाउ यार मैं बियर ट्राई कर रही, दूसरा बियर हमारा चेयर्स, और उस तरफ ही है हमारा लेक। अभी बज रहे हैं शाम के, मतलब शाम के, रात के 8 बज रहे हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं म्यूजिक फेस्टिवल के लिए, और मेरे साथ मेरे दो दोस्त पीछे ज्वाइन कर लिए हैं, और यहाँ पे एक नई दोस्त है क्रिस्टीन, हेलो, एंड क्रिस्टीन यूएस एंड स्वीडन दोनों जगह से है, तो यू बॉर्न रेज इन स्वीडन राइट, आई मीन सॉरी यूएस, बॉर्न एंड रेज यूएस, या हां माय बैड, आई हैव बीन ऑन द रोड फॉर 5 इयर्स नाउ, सो माय बैकपैक काउंट्स, आई एग्री। तो अभी दोपहर में आई थी, तो फिर हम लोग अभी शाम को, अभी मैं हॉस्टल में गया था क्योंकि अभी मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि मैं जा नहीं पाया मॉनेस्ट्री जो चर्च है, तो हम मैंने थोड़ा रेस्ट लिया, अभी हम लोग सबको ही साथ में जा रहे हैं, और उस तरफ बहुत ही खूबसूरत सनसेट हो रहा है, वाओ लुक्स लाइक समथिंग इज बर्निंग देयर यू नो। अभी यहाँ से हम लोग हाईवे जा रहे हैं, फिर वापस से हम लोग बीच में जा रहे हैं, आपको मैंने सुबह दिखाया था जहाँ पे वो फेस्टिवल हो रहा है म्यूज़िक फेस्टिवल, तो हम लोग अभी वहीं पे जाके एंजॉय करने वाले, मेरे कुछ दोस्त हैं स्पेन से जो आने वाले थे, वो भी आ चुके हैं यहाँ पे, तो अभी मज़ा आएगा। तो मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे जहाँ पे म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे फ्ली मार्केट्स और शॉप, छोटे छोटे खाने पीने के लिए, कॉफ़ी वगैरह के लिए, कुछ इस तरह का यहाँ का माहौल है,
तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को कि पहली बार मैं किसी कंट्री में मैं कोई कॉन्सर्ट अटेंड करने वाला हूँ, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। और यहाँ पे स्टेज है, तो ये स्टेज में अभी पता नहीं कौन कौन से आर्टिस्ट प्ले करेंगे, और मेरे को ये भी नहीं पता है कि इन लोग इंग्लिश गाना मतलब कुछ भी इंग्लिश में होगा कि या नहीं होगा, वो भी मेरे को नहीं पता है। और ये है शाम का नज़ारा यहाँ का, काफ़ी अलग सा दिख रहा है। दिन में तो आपने देखा था कितना ग्रीन दिख रहा था पानी, पर अभी थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है और बहुत सुंदर है। तो हाउ आर यू? Nice to meet you. Hey, good to meet you. Hi, Christina. Good to see you. So they are my friends. Hodei. Nice to meet you. Christina. Sorry? Christina. Christina. Yeah, you? I'm also Christina, but call me Chris. तो यहाँ पे मेरे स्पेनिश फ्रेंड्स जो मैं कोरिया से मिला था, होला। हाय। सो इन लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आए हैं कोरिस से, और अच्छा लगा इनसे मिलके। सो आई एम हैप्पी टू मीट यू अगेन हियर। सो आई होप दैट यू नो वी एंजॉय टुडे द फेस्टिवल, एंड आई होप वी गेट टू हियर सम इंग्लिश म्यूजिक आल्सो, यू नो, इन बिटवीन। ऑलराइट, बॉन अपेटिट। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे वाइन ऑफर किया, और इस वाइन के अंदर समथिंग स्पेशल यू हैव पुट, राइट? व्हाट इज दैट? कलिमोटो। तो ये वाइन के अंदर मिक्स किया, तो मैं ट्राई करने वाला हूँ कैसा है। My brain is like, you know, trying to figure out what I have, you know, had just now, you know, it's good. So I know, Christina, I forgot your name. Ode. Yes. All right, and you? Manuela. Sorry? Hola. Hola. पीछे हो रहा है कॉन्सर्ट, और हम लोग यहाँ पे मस्त बैठ के सब कोई वाइन पी रहे हैं, वाइट वाइन, तीनों दोस्त मिलके। बाकी सारे लोग स्टेज में चले गए हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सनसेट इंजॉय करना है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सनसेट हो रहा है, तो अभी आधे घंटे के बाद अंधेरा हो जाएगा। तो मैंने बोला कि भाई कॉन्सर्ट 11 बजे तक चलता है, तो फिर आधा घंटा यहाँ पे इंजॉय करते हैं, फिर जाएंगे स्टेज में। अभी फिलहाल रॉक म्यूजिक चल रहा है। और बहुत सारे यहाँ पे टूरिस्ट लोकल है। बहुत शुक्रिया सर। Cinnamon and butter system ice cream. I can't take this. The kingdom of Halloween. Just a camera to make it. What is this? I can't take this. तो यहाँ पे बहुत सारे खाने का ऑप्शन है, क्योंकि इस तरफ बहुत लाउड म्यूजिक है, तो मेरा आवाज नहीं आ रहा होगा। हम लोगों ने काफी एंजॉय किया। अब समय आ चुका है वापस जाने का, तो कुछ लोग यहाँ पे शवरमा ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ पे। तो तो इसका चिकन रॉ था, तो हम लोग ने वापस दिया चिकन शवरमा, फिर इसने स्टेक लिया वापस से लैम का, तो हम लोग वो खाए। गुड, एंजॉय, या लेट्स गो। तो हम लोग अब वापस जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लव योरसेल्फ एंड कीप हॉपिंग। बाय फ्रॉम सवान, आर्मेनिया।